दोस्तों, आपका कोई भी बैंक हो, आपका एटीएम पिन जनरेट आपको करना है। आजकल एटीएम तो बहुत कम यूज लेते हैं, लेकिन पिन तो जनरेट करना ही होता है। उसके बाद ये हम ऑनलाइन पिन जनरेट करते हैं, जिससे हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जस्ट फॉर लाइक मैं आपको बताऊं कि पिन कैसे जनरेट करेंगे कोई भी बैंक को। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ यस बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे यस बैंक हमने डाल दिया, तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ गई। इसे ओपन कर ले, ये ओपन हो जाएगी। उसके बाद देखिए, इस पिन बनाने के लिए आपके पास डेबिट कार्ड नंबर होना चाहिए। डेबिट कार्ड आपके पास होगा या आपने ऑनलाइन अकाउंट ओपन किया है तो आपको मेल के थ्रू भेज दिया होगा बैंक वालों ने। यहाँ क्लिक करना है, ये जो ऑप्शन दिखा आपको ये वाला यहाँ, ठीक। उसके बाद यहाँ यस ऑनलाइन यहाँ पर जाना है, तो हम यहाँ चल जाते हैं। अब ये पेज थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है, ये ओपन हो चुका है। ये यहाँ पर आईडी वगैरह मांग रहा है, यहाँ पर भी पासवर्ड और लॉगिन। बट हमें करना है जनरेट, हमें करना है डेबिट कार्ड के लिए, ठीक है। क्रेडिट कार्ड के लिए करना चाहो तो यहाँ क्लिक करना होगा इस पर, और डेबिट कार्ड पे करना है अपने को, ठीक है। तो डेबिट कार्ड यहाँ दूसरा नंबर पे, इस पर हमें क्लिक करना है। हम ये इस पर क्लिक कर देते हैं, यस। ये कुछ डिटेल्स आ चुकी है, यहाँ पर देख सकते हैं। ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, इसे कट नहीं करना, इसको डाउन करना, ठीक। यहाँ पर ये ऑप्शंस आ गए, आई एग्री टू टर्म एंड कंडीशन एंड प्रोसीड, ठीक है। तो यहाँ टिक लगाना होगा आपको, यहाँ टिक लगा देते हैं, हो गया। अब ये प्रोसीड का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा। येल्लो जी कर दिए, ये नया पेज ओपन हो चुका है हमारे सामने, ठीक है। अब हमारे सामने तीन स्टेप ओपन हो चुकी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। यहाँ है देखिए, डेबिट कार्ड पिन जनरेशंस ऑनलाइन, ठीक है। यहाँ पर आईडी आपको डालना होगा, जो आईडी आपको बैंक से मिली है। आप चेक कीजिए, ऑनलाइन आपने अकाउंट ओपन किया है तब आपको ईमेल पर आईडी मिली हो, और डेट ऑफ बर्थ अपनी जो जन्म तारीख है वो यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, और ये जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक कर देना। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दूसरा ऑप्शन यहाँ पे जो है कि एंटर पिन का आएगा। अब आपको अपना पिन एंटर करना है, उससे पहले अपना डेबिट कार्ड नंबर यहाँ टाइप करना होगा इसमें। अब यहाँ देखिए, यहाँ मैंने जो है कि ये फिल किया होता तो ये नेक्स्ट होता, ठीक है। आपको ये फिल करना है, नेक्स्ट करना है, उसके बाद ये ओपन हो जाएगा दूसरा नंबर का। यहाँ पर आप फिर तीन चीज़ मांगेगा, फर्स्ट आपका डेबिट कार्ड नंबर जो पूरा आपको डाल देना है, उसके बाद नया पिन क्रिएट करना है दो बॉक्स में, ठीक है। उसके बाद कंफर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा, ओटीपी आएगा, वो आपसे मांग लेगा आपके फ़ोन नंबर पे, देन कंप्लीट, आपका पिन जनरेट हो गया, ठीक। आप ऑनलाइन भी जनरेट कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। ऑनलाइन का जमाना है तो ऑनलाइन की तरह सोचो, ठीक।